गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और मैं हूँ ऋषिका। सो आज जो मैं दिखाने वाली हूँ वो है एक मेकअप लुक जो कि है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इजी, सिंपल और बहुत ही हैवी आई मेकअप लुक। सो इफ़ यू वांट टू नो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है जॉनसन्स बेबी क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र। आप कोई सी भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, बट मैं आई प्रिफर जॉनसन्स बेबी क्रीम बिकॉज इट्स रियली गुड फॉर स्किन। और आप मेकअप करने से पहले एक कोई सी भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ कीजिए अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज मैं प्राइमर नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैं एक मॉइस्चराइज़र ली हूँ। और मॉइस्चराइज़र लेने से क्या होता है, मेकअप से पहले लगाने से आपका जो ये मेकअप रहता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है और बहुत ज़्यादा स्मूथली अप्लाई होता है सब कुछ, इसीलिए। सो नेक्स्ट मैं बेस मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ ये ओलिविया का पेन स्टिक। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट फॉर बेस मेकअप। आई लव इट रियली मच। सो आई एम इन द शेड 05 टच एंड ग्लो। सॉरी गाइस, मीन्स मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पाया, सो इसलिए मैंने ऐसे किया। सो मैं इसको ऑल ओवर फेस लगा लूँगी, फिर मैं जो ये इसको ब्लेंड करूँगी ये ऑफलाइन करूँगी। रियली सॉरी गाइस, बिकॉज ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता, दैट्स वाई मैंने इसको डिसाइड किया कि इसको मैं ऑफलाइन ब्लेंड कर देती हूँ। तो मैं इसको ब्लेंड ऑफलाइन करूँगी। और मुझे पता है कि ये मेरा शेड का नहीं है, बट मुझे और कोई शेड नहीं मिला था मेरे स्किन टोन की, तो मुझे यही एक मिला था इसलिए मैंने ये लिया। आई नो इट्स नॉट फॉर माई शेड, ये थोड़ा सा मेरे से लाइटर है, बट मैं इसको यूज़ करती हूँ बिकॉज ये जो है वो यू नो स्किन के टोन से मैच कर देता है थोड़ी देर बाद। सो फिर कॉम्पैक्ट के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ टुडे द लैक्मी कॉम्पैक्ट, लैक्मी रेडियंट कॉम्पैक्ट। और इसको भी मैं ब्रश से यूज़ कर रही हूँ। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन गो एंड बाय एनीवन। लाइक मैंने सब तो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया, बट जो जो भी मैंने किया था तो उसका मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। इसका मेरा शेड है नेचुरल पर्ल। सो अभी मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है बिकॉज मेरा एक्नी स्कार्स वो सब छुप गया है। ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्ने, स्कार्स, पिंपल्स ये सब है। ओके एनीवेज, सो देन मैं आईब्रोज फिल करूँगी। सॉरी फॉर दैट बिकॉज ये टूट गया था। तो मैं ADS का ये द बाम न्यूड पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इससे जो ये दो मैट शेड है उसको मैं मिक्स एंड मैच करके दोनों को यूज़ करूँगी। तो जो ब्राउन वाला शेड है उसको मैं मेरी जो क्या बोलते हैं उसको इनर जो फर्स्ट वाला पार्ट है ब्राउज के उसमें फिर फिल करूँगी क्योंकि उसमें यू नो ब्लैक देने से ज़्यादा अननेचुरल लगेगा, सो इसलिए। एंड जो ब्लैक वाला है उसको मैं ऑल ओवर फेस, ऑल ओवर ब्राउज पे अप्लाई कर लूँगी। फिर मैं एक चीज़ करना भूल गई थी, एक स्टेप जो कि है ब्राउज को यू नो कंसील करना जिससे शार्प लगता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैं बोल रही हूँ, तो मैं वही सेम कंसीलर से उसको ब्राउज के जो नीचे के पार्ट है उसमें मैं कंसील करूँगी बिकॉज मैंने थ्रेडिंग नहीं किया है, इसलिए। इससे अगर ये अगर आप करते हैं तो ये आपके जो ब्राउज है वो बहुत ही थ्रेड किया हुआ एंड शार्प एंड नाइस लगता है, इसलिए आपको करना चाहिए। अगर आप थ्रेड करते भी हो फिर भी करिए, तो इससे आपका जो आप ब्राउज फिलअप करेंगे वो बहुत ज़्यादा शार्पली दिखेगा। तो मैं वो ऊपर में नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट लोअर में ही कर रही हूँ, अपर में मुझे नहीं करना है। अगर आप अपर भी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, वो और भी ज़्यादा शार्प एंड थिन लगता है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं सिर्फ वो लोअर वाला ही कर रही हूँ। तो इसको मैं एक ब्लेंडिंग ऐसे ही ब्रश से ब्लेंड कर दे रही हूँ। और आपको इसको अच्छे से इतना ब्लेंड नहीं करना है, आपको जस्ट डैप डैप करना है जैसे मैं कर रही हूँ। और फिर अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए देन आप फिंगर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा घिसिएगा मत, जस्ट ब्लेंड करना है आपको। ओके सो इट्स डन। नहीं नहीं, अभी मैंने आधा किया था ब्राउज, तो अभी मैं पूरा उसको फिलअप कर लूँगी।
सो इसको मैं सेम ऐसा कर लूँगी. ओके सो इट्स डन. यू कैन सी मैं कितना ज़्यादा खुश हो गई थी. इज आई लव टू फिल यू नो आईब्रोज. सो या मुझे थिक करना बहुत पसंद है तो मैंने इसको थिक किया. अगर आपको थिन पसंद है तो आप थिन भी कर सकते हैं. तो फिर मैं आई शेडो के लिए आज यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये अल्टीमेट आई शेडो पैलेट. इसको मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर की थी. और अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट. मैं ज़रूर इसके बनाऊँगी बिकॉज अभी तो मैं फिर से यू नो वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँगी. यू गाइस नो कि मेरा यूट्यूब चैनल फिर से आ गया है. मेरा यूट्यूब चैनल सस्पेंडेड हो गया था बट अभी आ चुका है तो मैं वीडियो बनाऊँगी ज़रूर. मैं कोशिश करूँगी कुछ दिन बाद बाद वीडियो अपलोड करने का. एंड सो या अगर आपको देखना है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट. मैं ज़रूर बनाऊँगी इसका वीडियो. इसको मैंने आई गेस फ्लिपकार्ट से लिया था और अमेजोन आई डोंट नो. मैं इसके लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में. अगर आपको लेना है देन आप ले सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैंने एक वाइट सा एक कुछ पाउडर है उससे मैंने उसको सेट किया है. मेरा जो मैंने जो कंसीलर मेरे आईज पे लगाई थी उसको मैंने सेट किया. देन मैं लाइटर शेड्स से स्टार्ट करूँगी फिर डार्क में जाऊँगी जैसे कि आई शेडो का स्टेप होता है वैसे ही जो रूल होता है. तो मैं सबसे पहले बहुत सबसे जो लाइटर शेड है उसको मैंने लिया फिर मैं डार्क लूँगी. ऐसे करके लेने से आपका जो आइज़ है वो बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ग्लैमरियस लगते हैं. तो मैं इसको फिर लगा लूँगी ब्लेंड करूँगी. आपको ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है. आई शेडो का तो यही स्टेप होता है कि आपको ब्लेंड अच्छे से करना है अगर आपको आपका जो आई है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाना है. तो आपको ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा. सो द आई शेडो इज़ नॉट रियली बैड दो. लाइक मैं बहुत दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ. सो बट द थिंग इज़ इट्स रियली यू नो पाउडरी एंड लिल बिट चौकी ऑल्सो. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम बट अदरवाइज इट्स रियली गुड. आपको इसमें बहुत 9 कलर्स मिलते हैं तो आपको 8 मैट मिलते हैं और जो एक है वो शिमरी है. तो ये मेरा शेड्स है 04. तो अगर आपको लेना है तो ये 04 ही लीजिए बिकॉज ये जो शेड है ये काफ़ी अच्छा है फॉर यू नो आप स्मोकी आईज़ भी कर सकते हैं आप न्यूट्रल आई भी कर सकते हैं आपका जैसा भी मन हो. एंड आपको एक शिमरी शेड भी मिल रहा है तो यू नो और क्या चाहिए. लाइक बाकी सारे जो शेड्स हैं वो भी अच्छे हैं बट उसमें आपको ज़्यादा शिमरी मिल रहा है कुछ कुछ में बहुत पिंकी टोन. और इसमें जो शेड्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. आई नो इसमें ब्लैक नहीं है बट ब्लैक के सिवा भी आप इसमें स्मोकी आई कर सकते हैं बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डार्क भी कलर है एंड लाइट्स भी कलर है. सो आई थिंक दिस वन इज़ द गुड ये 04 शेड. सो एज यू कैन सी गाइज माई आईज़ आर डन. लाइक मैंने दूसरे में भी कर लिया था ऑफ कैमरा. सो फिर मैं इस दोनों शेड को मैच करके मेरे जो लोअर आई है उसमें मैं लगा रही हूँ. आज मैं काजल स्किप की हूँ दैट्स वाई. सो ऐसे लगाने से जो आपके आई से मोर ज़्यादा बिग लगता है और मोर बहुत ज़्यादा ग्लैमरियस लगता है. सो मैं फिर उसी शेड से मेरा नोज़ कॉन्ट्रिंग करूँगी. एंड गाइज डोंट माइंड लाइक आई डोंट लाइक फेस कॉन्ट्रिंग एंड ऑल. सो प्लीज़ डोंट माइंड लाइक मैं वो नहीं मुझे पसंद नहीं है फेस कॉन्ट्रिंग करना. सो इसलिए मैंने सिर्फ नोज़ कॉन्ट्रिंग किया है. अगर आपको पसंद है देन यू शुड बट मुझे पसंद नहीं है दैट्स वाई मैंने स्किप कर दिया. सो नाउ कमिंग टू द ब्लश. तो मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है बट मैं आज MNN का जो ये ब्लश है उसको यूज़ करूँगी. बट द ये जो MNN का ब्लश है वो बहुत ज़्यादा लाइट है मेरे स्किन टोन के लिए. तो इसीलिए मुझे फिर से ब्लू हेवन का जो है उसको भी लगाना पड़ेगा. आप देखेंगे वीडियो में. सो एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा मेरे यू नो फ्लैश ऑफ कर रहे थे मेरे फेस पे. तो फिर मुझे ये ब्लू हेवन का लगाना पड़ा. ब्लू हेवन का जो ये है इसका आई डोंट नो द शेड मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी. ये वाला शेड बहुत अच्छा है. ये पूरा मैट है इसमें कोई शिमरी भी नहीं है शिमरी पार्टिकल्स. और इसका जो शेड है वो बहुत ज़्यादा रेड काइंड ऑफ है तो ये बहुत अच्छा लगता है. और एंड दिस वन इज़ रियली पिगमेंटेड देन द MNN एंड जो भी और ब्लश है ये वाला बहुत अच्छा है. फिर मैं आज आईलाइनर लगा रही हूँ बट बहुत ज़्यादा मैं थिन लगाऊंगी. सिर्फ मैं जो आउटर लाइन है वहाँ पर लगाऊंगी. एक मैं छोटा सा एक विंग दे दूंगी. अगर आप चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि अगर आप हैवी आई लुक करते तो उसमें आईलाइनर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है. सो इसलिए मैंने थिन सा लगाया. फिर मैं एक मस्कारा यूज़ कर दूँगी ऐसे ही रैंडमली ब्लू हेवन शायद ये है. सो नाउ इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक. लाइक लिपस्टिक के बिना तो हम लोग का जो मेकअप है वो इनकम्प्लीट है ऑब्वियसली. सो आज मैं लिपस्टिक
बहुत सारे नहीं, सिर्फ दो, उसको मिक्स एंड मैच करके लगाऊंगी ताकि मुझे जैसा कलर चाहिए वो कलर मुझे मिल जाए, बिकॉज मुझे मेरा वो कलर अभी अवेलेबल नहीं था मेरे पास। सो फर्स्ट तो मैं एक एक न्यूड सा एक कलर लगाई हूँ लिपस्टिक का, फिर मैं थोड़ा सा डार्क एक है हुडा ब्यूटी, फेक हुडा ब्यूटी का, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा दूँगी ताकि एक यू नो वेरी प्रिटी यू नो काइंड ऑफ डार्क न्यूड कलर आए, बिकॉज आज मैंने हैवी मेकअप लुक किया तो मैं जो शेड है उसको मैं थोड़ा सा न्यूडी टाइप ऑफ ही रख रही हूँ। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ मेकअप बट नॉट द लीज गाइस, मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर। सो ये है हुडा द फेक हुडा ब्यूटी का हाईलाइटर, एंड इसको भी मैंने कुछ दिन पहले खरीदी थी बट मेरा जो नेफ्यू है उसने पूरा तोड़ मोड़ के इसको बर्बाद कर दिया। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, इसको फेंक तो नहीं सकती, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन देके इसको फिक्स करके मैं फिर से रीयूज़ करती हूँ। और ये कुछ ऐसा दिखता था ये 5 कलर्स में। और गाइस मैंने इसको फ्लिपकार्ट से सिवाना का जो कलर्स शिमर बिक है उसको ऑर्डर की थी बट मुझे ये वाला रिसीव हुआ द फेक हुडा ब्यूटी। सो अगर आप करते हैं तो इट्स योर ओन रिस्क, ये आपको रिस्क भी हो सकता है क्योंकि अब फिर आप इसको फिर रिटर्न नहीं कर सकते और रिफ़ंड भी नहीं होता है। तो अभी मैं क्या कर सकती थी इसलिए मैंने इसको रख दिया, बट ये भी अच्छा है पर ये फेक है। सो गाइस माय मेकअप इज़ डन नाउ। सो गाइज आई होप आपको मेरा ये सॉफ्ट लुक विथ हैवी आई मेकअप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियोस को फिर से लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो और अगर आप मुझे पहले से जानते हैं और अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर यू नो मेरा कोई ओल्ड जो पहले का मैं जिससे बात करती थी वो अगर मुझे फिर से लाइक आई रियली वॉन्टेड टू टॉक विद दोज पीपल जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स थे जो मेरे से बात करते थे। लाइक अभी तो मुझे ज़्यादा लोग याद भी नहीं रहा है। सो अगर आप देख रहे हैं देन प्लीज़ कॉमेंट करके कुछ भी आप लिख सकते हैं लाइक हाई वगैरह। लाइक मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे पहले के सब्सक्राइबर मुझे अभी भी देख रहे हैं वो सब देख के। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।